कोरोना काल के बाद से सबसे ज्यादा असर किसानों को हुआ और किसानों की इसी पूर्ति को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश सांची दुग्ध संघ के तत्वाधान में पशुपालकों को ऋण प्रदान किया। बता दें, भोपाल जिले के अलग अलग गांव से आए पशुपालकों को करीब 3 करोड़ रुपए का पशु ऋण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सांची दुग्ध संघ के CEO RPS तिवारी ने बताया कि पशुपालकों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत ऋण दिया गया है। पी स्टेट डेयरी फेडरेशन है, उसके साथ छः दुग्ध संघ एफिलिएटेड हैं। उन छहों दुग्ध संघ के साथ इंडिविजुअली हम लोगों ने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके तहत हम लोगों को उन जो मिल्क दुग्ध संघ हैं उनके साथ जितनी भी दुग्ध समितियां जुड़ी हुई हैं, उन दुग्ध समितियों के जो इंडिविजुअल मेम्बर्स हैं, जो उनको उन दुग्ध समितियों को दूध सप्लाई करते हैं, उनके साथ टाई अप करके उनके इंडिविजुअल मेंबर्स को हमने पशु ऋण के लिए, पशु खरीदने के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए ऋण देने का एक प्रस्ताव रखा MP स्टेट मिल्क डेयरी फेडरेशन के साथ।